हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का जो रिजल्ट है आपका कब तक आ सकता है और ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो हैं आपके कब तक कराए जा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि एनटीपीसी रिजल्ट के बारे में अनेकों वीडियो बन रहे हैं कि रिजल्ट इस दिन आएगा, नोटिस भी वायरल हो रहे हैं, वो फेक नोटिस हैं, रियल नोटिस हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अभी तक किसी भी आरआरबी जोन की तरफ से कोई भी रिजल्ट के बारे में नोटिस नहीं जारी किया गया है कि एनटीपीसी का जो रिज़ल्ट है वो इस डेट को आएगा या इस टाइम आएगा। अभी तक ऐसा कोई भी नोटिस किसी भी रेलवे बोर्ड से नहीं आया है। तो आप अभी तक निश्चिंत रहिए, जितने भी वीडियो बन रहे हैं कि रिज़ल्ट इस दिन आएगा, 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, ये सब फेक हैं और ये सब अनुमान के आधार पर बता रहे हैं कि इतना आपका जो है टाइम लग गया है, हो गया है, तो आपका रिज़ल्ट अब आ ही जाना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं कि आपका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, तो आपका इस वीक के अंदर या फिर नेक्स्ट वीक के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो 101% आपका आ जाएगा, क्योंकि रेलवे जो है एक टाइम के अंदर एक ही काम करता है। तो वो अभी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के और स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट लेने में बिजी हैं, वो 2 से 3 दिन में आपके ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आरआरबी जो है एनटीपीसी पर ही फोकस करेगा और आपका रिजल्ट जो है आपको शो हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप डी के बारे में, तो ग्रुप डी के बारे में तो अभी तक कोई भी नोटिस नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है कि एग्ज़ाम वो कराएंगे भी या नहीं कराएंगे, कितना टाइम लगेगा और कब कराएंगे, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर जो हैं फॉर्म बहुत सारे फिल किए जा चुके थे, जिसकी वजह से उसका जो एग्ज़ाम है 3 से 4 महीने चलेगा। तो जहां तक मेरा मानना है, मैं अगर आपको अपना व्यू दूं, तो एनटीपीसी के रिज़ल्ट के बाद, सीबीटी 2 के बाद ही आपका जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम शेड्यूल कराया जाएगा। एक तो ये चांस है, या फिर एक चांस ये बचता है कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी टू के साथ ही करा लिया जाएगा, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी टू के अंदर अब इतने कैंडिडेट हैं, तो 7 लाख कैंडिडेट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए आरआरबी को 3 दिन या 4 दिन चाहिए, और वो भी अलग अलग जोन से हैं, तो इजीली आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट से पहले भी आपका सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आएगा। अब बहुत से स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर कट ऑफ क्या जा सकती है। तो देखिए, ऐसे कट ऑफ बता पाना बहुत मुश्किल है कि कट ऑफ क्या जा सकती है, कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी थी, आपने आंसर की अपनी देख ली होंगी, अगर आपके, मैं देखिए यूआर कैटेगरी के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर आपके 70+ नंबर हैं किसी भी जोन से, तो आप ये मान सकते हैं कि आपका जो है सीबीटी 2 के लिए नंबर आएगा। लेकिन आपके अगर 70 कम नंबर हैं तो आपके थोड़े चांसेस कम हैं, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन में भी इतना इफ़ेक्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा कि आप अगर सोच रहे हैं कि आपको 20 नंबर मिल जाए या 15 नंबर मिल जाए, तो इतना नॉर्मलाइजेशन आपको इस बार नहीं मिलेगा, क्योंकि रेलवे ने जो है अपना नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो चेंज कर दिया है, इसलिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इतना देखने के लिए कि आपका जो एग्ज़ाम था आपको 50 नंबर आ रहे थे और वो 70 हो गए। ऐसा इस बार आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, नॉर्मल मार्क्स ही इंक्रीज़ होंगे 1, 2, 3, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो आप इस चीज़ के बारे में पहले ही जान लीजिए। मैंने आपको दोनों एग्ज़ाम के बारे में बता दिया है, एनटीपीसी और ग्रुप डी के बारे में भी। अगर
आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि आप रेलवे भर्ती बोर्ड की जो परीक्षा है या वैकेंसी आने वाली है, जैसे कि अभी एएलपी की वैकेंसी आएगी, फिर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।